पृथ्वीराज सरजेराव पाटिल और ये मेरी पत्नी श्वेता पृथ्वीराज पाटिल है हमारी शादी को पाँच साल हो गए हैं और हम लंबे समय से प्रेग्नेंसी के लिए प्रयास कर रहे थे हमने चार पांच अस्पतालों से इलाज करवाया लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा था पुणे के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी पत्नी को कैंसर का पहला स्टेज है और तुरंत इलाज शुरू करने की सलाह दी मैंने यह सब अपने भाई को बताया तो उसने कहा कि उसे मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर के बारे में पता है और उसने हमें यहाँ आने की सलाह दी इस सब को कितना वक्त हुआ है सात आठ महीने हो गए हैं जब सात आठ महीने पहले आप यहाँ आए थे तब आपके पहले जो डॉक्टर थे जहाँ आप ट्रीटमेंट लेते थे उन्होंने क्या बताया था दूसरे डॉक्टर्स ने भी कैंसर होने की बात कही थी क्या बताएंगे मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू करने के बाद आपकी तबीयत में कैसे बदलाव हुए उपचार शुरू करने के बाद मेरी तबीयत में बहुत फर्क पड़ा मेरा वजन जो बहुत बढ़ गया था पाँच छः महीनों में सात से आठ किलो तक कम हो गया मेरे पीरियड्स भी अब धीरे धीरे नियमित हो रहे हैं पहले पीरियड्स के समय मुझे ब्लीडिंग रुकती नहीं थी लेकिन यहाँ उपचार शुरू करने के बाद वह रुक गई है और मेरे पीरियड्स भी अब नॉर्मल हो गए हैं। क्या आप बताएंगे प्रेगनेंसी के लिए कहाँ तो कहाँ उपचार लिए थे हमने कोलापुर में चार अलग अलग एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाया और पुणे में भी एक एलोपैथी डॉक्टर से उपचार लिया पहले आपने जो बताया था कि कोल्हापुर में अपने उपचार की शुरुआत की जो गायनेकोलॉजिस्ट थे बड़े बड़े उनके पास पुणे में भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास उपचार ले रहे थे ये जो समस्याएं होती है शुरुआत में आप जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं दूसरे कई कारणों से और बाद में वो बीमारी भयानक रूप लेती है ये दिखता है कि एलोपैथी के उपचार जब बड़े पैमाने पर लेने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके वजह से ये ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ पैदा होती हैं अभी आपके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार के सात आठ महीने के उपचार के बाद तो अब हम प्रेगनेंसी के लिए भी उपचार शुरू कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया और बार बार मैं बता रहा हूँ वैसे अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए नियमित एक्सरसाइज व्यायाम और अच्छा कहना हाई प्रोटीन डाइट लीजिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसलिए हम और थोड़े दिन उपचार जारी रखेंगे श्वेता पाटिल जी की 20 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उनके गर्भाशय का आकार नॉर्मल है लेकिन एंडोमेट्रियम की मोटाई 16 एम है आगे मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर विजय कुमार माने सर की सलाह पर उन्होंने फिर से सोनोग्राफी करवाई 25 जनवरी 2024 के सोनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार उनके बाएं बाजू के गर्भाशय के शरीर के सबसरसल भाग में 15 बाय 12 एम का फोकल एडेनो मायोसिस हो सकता है साथ ही एंडोमेट्रियम की मोटाई 18 एमएम mm थी जिसके संबंध में जांच और एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना आवश्यक था यह भी संकेत मिलता है कि कैंसर का पहला स्टेज होने की संभावना है और ओवरी में भी 18 बाय 12 एमएम mm की सिस्ट थी मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार शुरू करने के बाद उनकी तबीयत में बहुत सुधार दिखा हाल ही में 20 जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय के अस्तर की मोटाई पूरी तरह से चली गई है ओवरी का सिस्ट भी पूरी तरह से रिजॉल्व हो गया है लिवर का आकार नॉर्मल है कोई फोकल लीजन नहीं देखा गया है गॉल ब्लैडर नॉर्मल है स्प्लीन का साइज नॉर्मल है कोई फोकल लीजन नहीं दिखा गया है गर्भाशय का साइज सात बाय तीन पॉइंट आठ बाय तीन पॉइंट चार सेंटीमीटर है गर्भाशय अब पूर्ववत और नॉर्मल है एंडोमेट्रियल मोटाई Mm है लेफ्ट ओवरी का साइज छब्बीस बाय बारह एम है जो कि नॉर्मल है कोई एडनेक्सल मास नहीं दिख रहा है पेल्विस में कोई फ्लूड और एसाइड्स नहीं दिख रहा लिम्फेड एनोपेथी भी नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है अब आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल दिख रहे हैं